करेंगे अगारों की इस इंस्टा हेयर कलर के बारे में। आज मैं ये हेयर कल अपने बाल कर्ल करके भी टाई कर्ल करके भी आपको दिखाने वाली हूँ, और मैं ये फर्स्ट टाइम टाई करने वाली हूँ ऑन कैमरा। तो आज अगर आप एक अच्छा हेयर कलर खरीदना चाहते हैं तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टा हेयर कलर की हर किसी को शौक होता है कि उसके पास ना सारे टूल्स होने चाहिए, जैसे स्ट्रेटनर होना चाहिए, हेयर ड्रायर होना चाहिए और हेयर कलर होना चाहिए। तो आखिरकार मैंने अपने लिए हेयर कलर मंगा ही लिया। तो आपको चलो बताती हूँ कि मैंने ये क्यों लिया। एक्चुअली बात ये ना, मैं चाहती थी कि जो भी हेयर कलर मैं अपने लिए बाय क्यों वो वारंटी में हो। क्या ना कि बहुत सारे हेयर कलर थे पर किसी में वारंटी नहीं थी। वारंटी थी तो जैसे बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनियों में वारंटी थी बट उसके रेंज ना बहुत ज़्यादा हाई थे, 1500-2000 उससे भी ज़्यादा हाई होते जाते थे। पर मैं नहीं चाहती थी इतना ज़्यादा मैं स्पेंड करूँ बाय करूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ कम रेंज में लेती हूँ और वारंटी भी अच्छी हो। तो मैंने ये अगारो का ले लिया है। अगारो का ये जो है 700 के आसपास ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और इसमें 2 ईयर वारंटी भी मिल जाती है। यानी आप ले तो रहे हो तो मतलब ले रहा हो तो पता भी होना चाहिए ना कि हाँ हमने कुछ लिया है उसकी वारंटी है कि नहीं। तो आपको दो साल की वारंटी मिल जाती है। सबसे पहली ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई इसकी। एंड इसके मॉडल नंबर की बात करूँ तो इसका मॉडल नंबर है HC8001। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ये मॉडल नंबर देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। एंड अगारो इंस्टा हेयर कलर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलो मैं आपको पहले हेयर कलर दिखा दूँ कि ये वो हेयर कलर है, ठीक है। बहुत ही लाइट है, ऐसा नहीं कि आपको पकड़ने में आप बहुत ज़्यादा कुछ हैवी सा आपने पकड़ रखा है कि हाथ आपको दुखने लगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा ये लाइट वेटेड है। ये 10mm की बैरल के साथ आता है। इसका जो टोंग है वो सेरेमिक कोटेड है और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर भी मिल जाता है। यहाँ पे एक लाइट रहेगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है पावर है कि नहीं, ये पता करने के लिए। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का ये है कि अगर ये 0 पे रहेगा तो ये ऑफ रहेगा और 1 पे रहेगा तो ये ऑन रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये सेरेमिक कोटेड टोंग है। और इसके अलावा इसमें क्या है, 180 डिग्री तक हाई टेम्परेचर है इसका, हाई टेम्परेचर अप टू 180 डिग्री, पावर लीड इंडिकेटर जैसे कि मैंने बताया है। और इसका जो ये 136 डिग्री ये रोटेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी कर रहे हो इधर उधर तो आपको इसको सेट करना पड़ेगा, ये अपने आप ही रोटेट हो जाएगा तो काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड इसका जो तार है वो लगभग 1.5 मीटर का है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा तार है, आप बिल्कुल स्विच के पास आप खड़े हो वहीं आप कर रहे हो, आप इसे आराम से कहीं पर भी कर सकते हो। काफ़ी लंबा वायर दिया गया है, ये चीज़ अच्छी है इसमें। एंड एक चीज़ और मुझे बहुत ज़्यादा जो पसंद आई है, कूल टच, यहाँ पर कूल टच टिप इसे बोलेंगे, यहाँ पर दिया गया है। यानी ये नहीं कि रॉड इसका गर्म हो गया है, हीट हो गया है तो आपके हाथ जले, आपकी उंगली जले। अब इसको कर सकते हो ना तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो जिससे आपकी जो उंगली है वो हीट नहीं होगी। वारंटी कार्ड भी इसके साथ आपको मिल जाएगा। तो चलो इसे लगाती हूँ और आपको करके दिखाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बालों को कर्ल कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट करने हैं अपने बालों को, बहुत ही पतले पार्ट करने हैं। और ये जो रॉड है उसके ऊपर आपको टर्न करना है, लपेटना है इसको, ठीक है। 10 सेकेंड के लिए आप अच्छे तरह से लपेट के रखिए, कवर करके रखिए और उसके बाद 10 सेकेंड बाद आपको यूँ ही छोड़ देना है। बहुत ईजी और बहुत प्यारा कर्ल बन के तैयार होता है। वैसे मैंने वीडियो में पूरी वॉइस दी थी बट नॉइज़ बहुत आ रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया है। बस इसी मेथड को आपको बार बार करना है। थोड़े थोड़े बाल लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा बाल लेंगे तो कर्ल अच्छे से नहीं बनते, बिल्कुल थोड़े थोड़े टाइट कर्ल बनने हैं। तो थोड़े थोड़े बाल लेना है और उसको अपने रॉड के ऊपर, जो कलर की रॉड है उसके ऊपर लपेटना है, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और छोड़ देना है, कर्ल बनकर तैयार हो जाते हैं।
आप देख सकते हैं मैंने इस साइड बालों को टाइट कर्ल कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कर्ल हुआ है और शायद मुझे 10 मिनट लगे हैं इसे कर्ल करने में, खुद से किया है, किसी की हेल्प नहीं ली। अगर कोई हेल्प करता है जिसे अच्छा से करना आता है तो फिर आपके जो कर्ल है ना ये और खूबसूरत बनने वाला है। ये देखो मेरा नेचुरल कर्ल है क्योंकि मेरे बाल हल्के हल्के कर्ली है। ये देखिए ये बालों की लेंथ कर्ल करने की वजह से थोड़ी छोटी हो गई, जब भी कर्ल करोगे तो बाल थोड़े छोटे हो ही जाते हैं तो, लेकिन हाँ बहुत अच्छे और बहुत ही इजी वे में ये कर्ल हुए हैं। तो चलो एक साइड कर लिया, अब सेकेंड साइड भी कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा कंप्लीट फाइनल लुक, तो ये है मेरे टाइट कर्ल बन के रेडी और थोड़ा थोड़ा ओपन करूँगी मैं मैसी, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से ये कर्ल जो है वो बन के तैयार हुए। एक्चुअली मुझे इतना कर्ल करना आता नहीं है, सच्ची बताऊँ मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और इसके रिजल्ट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है कर्ल करने में तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन हो सकता था, मुझे मेरी सिस्टर की याद आई आज से कर्ल करते वक्त। तो अगर आपके पास कोई हेल्प करने के लिए है तो ये आपके लिए और अच्छा ऑप्शन हो सकता है और बहुत अच्छी तरीके से ये कर्ल करता है। मुझे टोटल शायद 30 मिनट लगे क्योंकि मेरे बाल थोड़े हैवी भी हैं, तो टोटल मुझे 30 मिनट लगे हैं इस कर्ल को कंप्लीट करने में। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी है। छोटे छोटे आपको पार्ट लेने हैं, लताएं अपने बालों की लताएं लेनी है और उसके बाद कुछ इस तरह राउंड राउंड करते हुए अपने बालों को कर्ल करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाते हैं। एक अच्छा, अगर आप हेयर स्टाइल के मतलब शौकीन हो कि आप चाहते हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल ट्राई करो तो आप इसे ले सकते हो। एंड हाँ, इसको करने के बाद अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो जो जूड़ा वगैरह बन वगैरह बनाना भी ना बहुत ही खूबसूरत एकदम मैसी बन अगर बनाना चाहो तो इससे ना बहुत ही प्यारा बन भी बनने वाला है। तो ये मतलब सिर्फ आपको सिर्फ बाल कर्ल करने के लिए हेल्प नहीं करने वाला है, बन बनाने में भी, क्योंकि उसमें भी हेल्प बालों को बाउंसी दिखाने के लिए, बालों में थोड़ा सा बाउंस लाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के लिए। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इसको यूज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आप भी अपने लिए कोई हेयर कलर लेना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगी तो आप ये वाला हेयर कलर जरूर ट्राई करना, रेंज के हिसाब से बहुत सही चीज़ है, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, आप इसे ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही ईजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप ये यूज कर रहे हो कहीं पार्टी वगैरह में जाने से पहले तो आपके कंधों में एकदम से थकान आ जाएगी, आपके हाथों में थकान आ जाएगी, बिल्कुल भी मुझे कोई भी थकान महसूस नहीं हो रही। 30 मिनट लगे हैं क्योंकि मेरे बाल हैवी हैं, 30 मिनट लगे हैं। अगर आपके बाल लाइट हैं तो आप और भी जल्दी कर लोगे मेरे हिसाब से, पर मुझे थोड़ा लगा और कोई हेल्प करने वाला है तो क्या ही बात है। तो मुझे ये हेयर कलर बहुत ज़्यादा, अगारो का हेयर कलर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको, आप इसे ट्राई करो। 700 की रेंज में आपको मिल जाएगा, आप चाहे अमेजोन से लो चाहे जिस भी ऑनलाइन साइट से लो आपको मिल जाएगा। एंड हाँ, मैं इसकी बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसे विजिट कर सकते हो, इसे अपने लिए बाय कर सकते हो। तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। एंड आप भी बताना ना ये हेयर स्टाइल मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मुझे ये हेयर स्टाइल करके ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपने हस्बैंड को दिखाने वाली हूँ, वो आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा बट वो यहाँ पे आने, अभी कहीं बाहर गए हैं तो मैं उन्हें फ़ोटो क्लिक करके ही भेजने वाली हूँ। बट कोई नहीं, अब कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू वीडियो अगारो के इंस्टेंट हेयर कलर का। आई होप ये रिव्यू वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इस तरह का एप्लीकेशन कोई लेना चाहते हो अपने लिए तो आप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बगल में लगी घंटी बजा दो। फिर हाँ दोस्तों, इस वीडियो में तो ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।